रानी चौबीस जी, आज आप लोगों ने जो है मौन व्रत धारण किया था पप्पू यादव की रिहाई को लेकर, तो क्या कुछ कहना है, सरकार पर इसका कुछ प्रभाव पड़ेगा? देखिए, सरकार तो मार्केटिंग करेगी, जैसे ही लॉकडाउन टूटेगा अपनी अपनी मार्केटिंग करेगी। लोग उनके जो बेचारे जो उनके सेवक हैं, मतलब जो मान लीजिए भाजपा के जो कार्यकर्ता हैं, उनको ला देगी रोड पे, बेचारे वो पॉजिटिव हो जाएं, कोई फर्क नहीं पड़ता है उनको। आप समझिए चीज़ों को, जब चीज़ें सिचुएशन नॉर्मल होने पे आई हैं तो मार्केटिंग शुरू हो गई है प्रधानमंत्री जी की और नीतीश कुमार जी की, जनता सब देख रही है, चाहे भाजपा पप्पू यादव जेडीयू के पारे कार्यकर्ता हो, सब बेचारे अंदर से जान रहे हैं, वो उनको तकलीफ है इस बात की कि जिन लोगों को उन्होंने अपनों को खो दिया है, अब वो करेंगे क्या, लाचार है ऐसे नंगे की सरकार से। और कहीं ना कहीं स्वास्थ्य की व्यवस्था आपने देखी है, दो दिन के पानी में घुटने भर पानी है ना। तो समझने की जरूरत है कि जनता अब जाग चुकी है, जन अधिकार की क्रांति है ये, पप्पू यादव जी को रिहा करें, नहीं तो बहुत बड़ी क्रांति है। पप्पू यादव जी की स्थिति बहुत बिगाड़ चुके हैं ये लोग, ठीक है ना, अब हम बिगड़ने नहीं देंगे। 20वां 21वां दिन है आज, इनको समझना होगा कि ऐसे क्रांतिकारी वीर को अगर आप अंदर रखेंगे तो आप अपने लोगों को भी तो मार रहे हैं। आप वैसे उन्हें तो हम कहते हैं कि वो हमारे हीरो हैं, वो आज बिहार के हीरो हैं, उन्होंने प्रूफ किया, बिहार का एक बेटा है जो आगे आया, प्रूफ करके दिखाया नीतीश कुमार जी। मार्केटिंग बहुत चल रही नीतीश कुमार जी आपकी, अब आपके चलनी नहीं देंगे हम। मैं रानी चौबे बात कर रही हूँ, जन अधिकार पार्टी की महिला राष्ट्रीय अध्यक्ष, में चैलेंज करती हूँ आपको। मैं तो आम जनता से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि प्राइवेट हॉस्पिटल में ही जाना, सरकारी में मत जाना। लेकिन यहाँ पे हॉस्पिटल में तो रेप हो जाते हैं, यही तो मैं बोलना चाहूंगी, रेप के साथ प्राइवेट हॉस्पिटल में जाओगे तो जेब भी लूटी जाएगी और अस्मत भी लूटी जाएगी। जिस तरह से पप्पू यादव ने राजीव प्रताप रूडी के आवास से, राजीव प्रताप रूडी के आवास पर रखे गए एम्बुलेंस का खुलासा किया था, पर्दाफाश किया था, उसके बाद जो है बिहार की राजनीति में उभार आ गया था। हम बात करने की कोशिश करेंगे, रानी चौबे जी हैं, पप्पू यादव जी, आदरणीय पप्पू यादव जी, आज 20 दिन हो गया उनको हवाला तो केंद्र, आज दरभंगा मेडिकल कॉलेज जो अस्पताल है उसमें इतनी गंदगी, इतनी व्यवस्था खराब, उस जगह वो जूझ रहे हैं। हिम्मत मैं बलिहारी करूंगी इस नीतीश कुमार की, इस मंगल पांडे की, जो इतनी गंदी गंदी व्यवस्था रखते हुए भी एक ऐसा सेवक जिसे बाहर रहना चाहिए था, जो सेवा भावना में लगा हुआ था, और उनको उन्होंने अंदर कर दिया, और आज 20 दिन हो गया। अगर उन्हें कुछ होता है तो हम महिलाएं उग्र आंदोलन पे उतरेंगी। हम बता रहे हैं कि हमने इतनी क्रांति क्रांति की, लेकिन इस नीतीश कुमार के कान में जू नहीं रेंग रहे। तो कहीं ना कहीं आज बिहार जाग चुका है, आज बिहार समझ चुका है, आज जो ये मार्केटिंग कर रहे हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी कि हम ये कर रहे हैं, हम शमशान पहुंच रहे हैं, तो शर्म की बात है ऐसे लोगों के लिए कि आज हमें मौन दिवस मनाना पड़ रहा है, मौन मार्च करना पड़ रहा है, कि हम कहीं ना कहीं आज मौन धारण कर चुके हैं कि अब हम हार तो नहीं मानेंगे, लेकिन हम चुप रह के वो क्रांति करेंगे कि आप पूरा बिहार देखेंगे। आप ये कह रहे हैं रानी चौबे जी कि बिहार की जनता जाग चुकी है, बिहार की जनता कहीं ना कहीं जाग चुकी है, लेकिन सरकार पर इसका कुछ भी दबाव होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, तो आखिर सबसे बड़ा सवाल है कि सरकार जान रही है ना, सरकार सिर्फ इलेक्शन के कुछ दिन पहले काम करती है, जन अधिकार पार्टी पूरे साल काम करती है, जन अधिकार पार्टी पूरे जन के बीच में पूरे साल रहती है, 365 दिन रहती है। इलेक्शन में तो सिर्फ जो चुनाव में जीतते हैं वो दिखते हैं क्या? नीतीश कुमार जी अपने क्षेत्र में ही कितने दिन दिखते हैं? मैं पूछूंगी उस सांसद और उस एमएलए से कि कितने दिन आप लोग दिखते हैं? रूड़ी जी तो बैठे हुए दिल्ली में, प्रेस कॉन्फ्रेंस तक उनको हिम्मत नहीं है कि आज वो बिहार में आके करें। उनकी अरेस्टिंग नहीं हुई इस एम्बुलेंस चोर की। अरेस्टिंग की मांग कहां कर रहे हैं आप लोग, क्या क्या कारण है? देखिए, इतने सारे एम्बुलेंस, सपोज मान लीजिए कि जिस तरीके से लॉकडाउन के उल्लंघन में, मान लीजिए लॉकडाउन के उल्लंघन में लोगों को जेल हो जाती है, तो रूड़ी जी जहाँ के सांसद रहे हैं वो क्या कर रहे थे? इतने एम्बुलेंस को छुपा के क्या कर रहे थे? वो वहाँ के वो सांसद हैं, उन्हें भी पता होना चाहिए ना। जो आदमी 18 या 20 ड्राइवर नहीं अरेंज कर पा रहे हैं वो चले हैं सांसदीय क्षेत्र चलाने। मैं तो कहूंगी कि अगला चुनाव उन्हें दिखाएगा कि उन्होंने क्या किया। देखिए, ये मनमौजी सरकार है और जनता जाग चुकी है, अब समझने की जरूरत नहीं है, जनता सब कुछ जान चुकी है और जन अधिकार इसकी लड़ाई लड़ेगा और जन अधिकार के साथ पूरे युवा विंग, महिला विंग सब खड़े। पप्पू यादव की महिला विंग देख सकते हैं सड़कों पे लगातार डटी हुई है, रानी चौबे जी थी, सुप्रिया जी हाँ ये उनसे बातचीत करते हैं। मौन व्रत आज आप लोग धारण किए हुए हैं, लगता है सरकार पर इसका कुछ भी प्रभाव पड़ेगा?
पता नहीं सरकार ने तो अपना जुल्म सितम इतना बढ़ा दिया है कि अब हम लोग मौन करने पे ये हो गए हैं। बोलते बोलते हम थक गए हैं। 11 मई को उनका अरेस्टिंग हुआ था, आज तक वो बाहर नहीं आए। इतने दिन हो गए, वो भी उस गुनाह में जो प्रूफ ही नहीं हुआ। जिनका अपहरण हुआ तो उन्होंने खुद कहा कि मेरा अपहरण पप्पू यादव जी ने नहीं किया। नीतीश जी का जुल्म सितम इतना बढ़ गया, आए दिन आप देख रहे हैं कि किसी न किसी पे नीतीश जी केस करवाते रहते, FIR करवाते। जो भी उनके खिलाफ सच बोलता है, कहा जाता है ना कि सच हमेशा कड़वा लगता है, तो नीतीश जी को अब सच इतना कड़वा लगने लगा है कि लोगों पे FIR करवा करवा के, लोगों को जेल में बंद करवा करवा के वो लोगों का मुंह बंद करने लगे हैं। तो उनके ऐसा करने के पहले हम खुद मुंह बंद करके दिखा रहे हैं कि आप जो भी जुल्म सितम दिखाइए। पप्पू यादव जिस अस्पताल में भर्ती है DMCH में, वहाँ की स्थिति आपने देखा, जो वहाँ पूरे अस्पताल परिसर में पानी लगा हुआ है, कचरा जमा हुआ है, शुगर घूम रहे हैं, कुत्ते घूम रहे हैं, क्या कुछ कहना है? जी, वहाँ पे भी सफाई का बिल्कुल ही नहीं है। जी सोचिए, जहाँ पे पप्पू यादव जी भर्ती है उसका ये हाल है, तो पता नहीं आम जनता के साथ क्या हो रहा होगा। मैं तो आम जनता से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि प्राइवेट हॉस्पिटल में ही जाना, सरकारी में मत जाना। लेकिन यहाँ पे हॉस्पिटल में तो रेप हो जाते हैं। यही तो मैं बोलना चाहूंगी, रेप के साथ प्राइवेट हॉस्पिटल में जाओगे तो जेब भी लूटी जाएगी और अस्मत भी लूटी जाएगी, और सरकारी में जाओगे तो डॉक्टर आपको छूने के लिए भी नहीं तैयार होगा, ट्रीटमेंट के लिए भी तैयार नहीं होगा। तो ये नीतीश सरकार बिल्कुल निकम्मी हो चुकी है, नालायक हो चुकी है। इसलिए हम इनके पास आए हैं कि शायद यही अपने लोगों को कुछ सिखाएं। ये पृथ्वी, ये भारत बिहार की, ये पटना की धरती पे शायद हम यहाँ पे आए हैं, कुछ तो लोग सुने और नीतीश कुमार जी का दिमाग खुले और लोगों के प्रति थोड़ी सी संवेदना उन्हें भी हो।